तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्गिग्रहं श्रामिः। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य आशीष डंगवाल और आप देख रहे हैं हमारा एसटी योगी चैनल। दर्शकों, आज हम बात करेंगे जनवरी 2020 के राशिफल की, कि आपका जो ये मंथ है कैसा जाने वाला है आपके लिए, इसकी मैं संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा मैं। लेकिन उससे पहले आपको खास अपील है आपसे, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, साथ में लाइक भी करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दर्शकों, ये जो राशि फल जिसकी शुरुआत जो है कन्या लग्न से हो रही है, और कन्या लग्न का स्वामी यानी बुध पत्रिका के अंदर विराजमान है चौथे स्थान पर, यानी सुख के स्थान पर है। तो सुख के स्थान पर होना यानी कि सुख की वृद्धि होगी, क्योंकि ये बुध जो कुंडली के अंदर है गुरु के साथ में भी है, सूर्य के साथ में भी और शनि के साथ में भी है, और धनु राशि का है। तो इसका जो प्रभाव रहेगा थोड़ा मिक्स रहेगा, अच्छा भी है थोड़ा सा बुरा भी है। जो कहते हैं बुध का कोई अपना फल नहीं होता है, जो फल होता है दूसरे ग्रह के साथ में चल के ही वो अपना फल दिखाता है। तो यहाँ बात करते हैं तो लग्न भी कुंडली का हमारा जो है ठीक है, अच्छा है, मजबूत है। चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा छठे स्थान पर जो है और वो भी जो है कुंभ राशि का है, यानी शनि की राशि का है। तो शनि कर्मों का फल देने वाला ग्रह कुंडली के अंदर, मेहनत ज़्यादा करवाएगा, थोड़ा कॉम्पिटिशन भी थोड़ा सा रहने वाला है अधिक इसमें। अगर इसमें सभी राशियों वालों के लिए है, उसका थोड़ा थोड़ा प्रभाव हर किसी के ऊपर अलग अलग तरीके से रहेगा। अगर बात करते हैं इसमें हम जो हैं शुक्र की, शुक्र जो कुंडली के अंदर है वो आपके पाँचवें स्थान पर इस समय रहेगा जो लग्न पत्रिका के हिसाब से है। तो फिफ्थ हाउस जो होता है कुंडली के अंदर वो होता है विद्या का, और हमारी मान सम्मान को बढ़ाने वाला। तो मान सम्मान की भी वृद्धि होगी, सुख समृद्धि भी बढ़ेगी इसमें, साथ साथ में जो है पराक्रम में मंगल बैठा हुआ है। तो इस साल का जो है पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, जो कि विशेष करके देखा जाए कि कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, चाहे वो हमारे बिजनेस के लिए है चाहे हमारे जॉब के लिए क्यों ना हो, उसमें हमें जो है काफ़ी अच्छी सफलता इसमें प्राप्त होती चली जाएगी। तो अभी पूरा अगर हम इसमें देखें तो ये जो पूरा मंथ का जो हमारा रहने वाला है एक महीने के लिए, इस मंथ में जो है काफ़ी प्रोग्रेस वाली हम बात कह सकते हैं कि हाँ इसमें आपको प्रोग्रेस अच्छी मिलेगी, लेकिन मेहनत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता इसमें रहने वाली है। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए ये वाला जो मंथ है थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा दिक्कत देगा, क्योंकि इस समय जो है लग्न का स्वामी यानी राशि का स्वामी चंद्रमा कुंडली के जो है अंदर एट्थ हाउस में आठवें स्थान में है, अशुभ स्थान में है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इस समय पे जो है छोटे छोटे जो रोग हैं वो काफ़ी आपको परेशान करेंगे, थोड़ा आपको दुखी करेंगे। साथ में अगर हम बात करें इसमें आपकी शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। शिक्षा का जब कारक ग्रह कुंडली में मंगल स्वराशि का है, तो विशेषकर जो अभी IIT के फील्ड में है या कुछ जो है टेक्निकल फील्ड में है उनके लिए ये वाला जो मंथ है काफ़ी अच्छा जाने वाला है। शिक्षा में जो है काफ़ी आपको जो है इसमें सुख अच्छा मिलेगा, काफ़ी अच्छा मन लगेगा आपका, जो कि आपके पढ़ाई में कोई भी विघ्न इसमें नहीं पड़ने वाला। आपको बात करें अगर करियर के लिए, तो करियर के लिए ये वाला मंथ आपका बहुत ही शुभ जाएगा, क्योंकि करियर का स्वामी है आपका मंगल, और मंगल पत्रिका के अंदर जो है बिल्कुल स्वराशि का पंचम में बैठा हुआ फिफ्थ हाउस में है, जो कि बहुत ही शुभ है आपके लिए। जो भी काफ़ी समय से जो आप मेहनत कर रहे थे वो मेहनत आपकी रंग लाने वाली है, या फिर ये ऐसे कह सकते हैं कि ये करियर के लिए हो चाहे आपकी ये व्यापार के लिए ही क्यों ना हो, दोनों में ही आपके लिए जो है काफ़ी ये शुभ रहने वाला है करियर के लिए। बात करें अगर धन के लिए, धन के मामले में स्थिति जो है काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो लोन लेने के लिए यह वाला जो मंथ है काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय जो है आपको अगर आप कर्जा कुर्जा कुछ लेना चाहते हैं तो कर्जा आपको आराम से इस समय प्राप्त हो जाएगा। बात करते हैं प्रेम संबंधों के लिए, तो प्रेम संबंधों के लिए ये वाला मंथ आपका काफ़ी अच्छा जाएगा, क्योंकि प्रेम के स्थान पर यानी कि आपकी कुंडली में सातवें स्थान पर शुक्र विराजमान है, बहुत ही शुभ है। सेवंथ हाउस का शुक्र बहुत अच्छा में माना जाता है प्रेम के लिए, जो कि अभी तक आपके जीवन में कोई व्यक्ति जुड़ा नहीं है, तो जुड़ने का समय इसी समय पे है। चाहे इसको हम विवाह के रूप में माने या आपके जो है प्रेम संबंधों के रूप में माने, दोनों में ही आपको जो है इसमें अच्छी सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। विवाह के लिए जो है इसमें नए नए जो है संबंध या नए रिश्ते जो आपको जो है वो काफ़ी जल्दी आपको प्राप्त होने वाले हैं, और लगभग जो कह सकते हैं कि आपको इस मंथ के या एक दो मंथ के लगभग आपका विवाह का योग भी आपका इसमें बनने वाला है जल्दी से। अगर बात करें परिवार के लिए, तो पारिवारिक जो जीवन है उसमें भी आपको जो है काफ़ी सुख मिलेगा, जीवन साथी का भरपूर उसमें सपोर्ट मिलने वाला है, परंतु थोड़ा सा जीवन साथी के हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सा चिंता भी रह सकती है, उनके हेल्थ में थोड़ा दिक्कतें इसमें रहेंगी। विशेष करके वैसे देखा जाए तो इसमें आपके पर्सनल लाइफ में आपको अच्छा तरह से सुख अच्छा प्राप्त होने वाला है।
दर्शकों ये बात थी मासिक राशि फल की। अब बात करते हैं इस मंथ में पड़ने वाले त्योहारों की यानी पर्वों की। तो हमारा पहला पर्व यानी जो पड़ रहा है वह है मकर संक्रांति। ये आएगा 15 जनवरी को, वैसे तो ये 14 तारीख को आता है पर इस बार ये 15 तारीख को आ रहे हैं मकर संक्रांति। मकर राशि में यानी कि सूर्य का प्रभाव होना, सूर्य की संक्रांति होना, तो यहाँ से जो है सूर्य उत्तरायण में जाता है और उत्तरायण में जाने के बाद सूर्य का जो बल है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी सूर्य जो है अपना शुभ प्रभाव अच्छा दिखाता है। और कहते हैं यहाँ से जो है देवी देवताओं का जो है पूजन करने से हमें जो है ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि 6-6 महीने के लिए पितरों की पूजा होती है और 6 महीने के लिए देवताओं की पूजा होती है। तो यहाँ से जो है एक इसकी जो है शुरुआत अच्छी खासी शुरू हो जाती है और विशेषकर जो भी विवाह के जो योग हैं वो भी इस पर मकर संक्रांति के बाद ही खुल जाते हैं। इसके साथ साथ में जो है इसी मंथ में जो आ रही है 30 तारीख को वह है बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी में विशेष करके जो है माँ सरस्वती की पूजा होती है, विद्या की देवी है, तो इस दिन जो है माँ सरस्वती की पूजा करने से हमारे जितने भी जो हैं मन के जो विकार हैं वो हमारे दूर होते हैं, विद्या का जो है प्रवेश हमारे अंदर होता है। विशेष करके जो बच्चे भी शिक्षा ले रहे हैं उनके लिए माँ सरस्वती की पूजा करना बहुत ही अनिवार्य, बहुत ही अच्छा रहता है, शुभ फल देने वाला रहता है। तो इसलिए जो है बसंत पंचमी भी आप इसमें जो है अच्छा मनाएँ और इससे विशेष करके माँ सरस्वती की पूजा जरूर करें। दर्शकों यह मासिक राशि फल सामान्य ज्योतिषीय आंकलन के द्वारा बनाया गया है। अगर आप अपनी राशि के बारे में या अपनी कुंडली के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल करें, मुझसे परामर्श आप ले सकते हैं।